पंचायत थाने कोर्ट कचहरी अजी लंड में रहा। ये बहन चोद बहुत पुराने हो गए। अब अपना घरेलू प्रॉब्लम भाव से बताओ और साथ में एक चमाट खाओ और फिर उसको यूट्यूब पे साथ साथ पता नहीं बहन चोद कौन सा सतरंगी अतरंगी ऐप पे ब्रॉडकास्ट करवाओ। करना अगर तुमने बिग बॉस में जाने लायक कुछ भी नहीं उखाड़ा फिर बहन चोद तुम रोडीज में जाओ, ठीक है समरिया। और अगर रोडीज से भी जूते मार के बाहर निकाल दिया जाओ फिर बहन चोद तुम 1980 वाले क्राइम पेट्रोल का एक स्टोरी याद करो। फिर तो बहन चोद भाव के शो में तुम्हें उतनी ही आसानी से एंट्री मिलेगी जितनी आसानी से मुनव्वर को लड़कियां मिलती है। मेरे कॉलेज में एक लड़का था सुदीप, और एक मोड़ आया यहाँ हमें पता चला कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरी जो ख्वाहिश थी ना कि मुझे लड़की बनना है, ये मैं उसके सामने कभी बता नहीं पाई। 4-5 साल बीतने के बाद सुदीप ने मुझे ये कहा, मुझे ना लड़कियां पसंद है। एक मिनट, ये पहले लड़का थी, इसे एक लड़का पसंद आता है, फिर इसको लड़की बनना था और इस लड़के को भी लड़कियों में इंटरेस्ट आया, तो बहन चोद ये तो अच्छी बात है ना, इसमें सस्पेंस कहाँ है? मौजूदा में ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। बहन चोद कौन लिख रहा है इतना चिंदी स्क्रिप्ट? बहन चोद इससे अच्छा स्क्रिप्ट तो पूनम पांडे लिख रही है। कौन कह रहा माखी चूस उसकी धारे की? खैर शुरू करते हैं बिना किसी पूनम पांडे के अवेयरनेस के। हमारी शादी से पहले इनका अफेयर था, लेकिन उस लड़की ने इनको सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दिया था, और जिससे उसने शादी की वो और कोई नहीं इनका बॉस था। साफ बास, आपने ऐतराज मूवी का स्क्रिप्ट चोद दिया और हमें लंड पता भी नहीं चला। मेरी सासू माँ ने हमें बताया कि कोई एक डॉक्टर है और उनकी एक ही दवाई से सब ठीक हो जाता है। उसने हमें एक दवाई दी भी, उसने कहा कि आशीष से कहा कि इसको दिन में 2-3 बार पी लेना, और हमसे कहा कि हम रात को कोशिश करें बच्चे के लिए। ये देखो बहन चोद लंड बराबर बातों पे कैसे रिएक्शन दे रहे हैं। इस रिएक्शन की कोई जरूरत थी यहाँ पे? नहीं, पता नहीं बहन चोद इन लोगों को कब समझ आएगा कि यहाँ बकचोदी करने से प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस उतने ही जितने की बहन चोद व्हाइटनिंग क्रीम लगाने से वेस्ट इंडीज वालों का गोरा होने का। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जब से थोड़ा बड़ा हुआ हूँ ना, तब से अपने माँ बाप को बस लड़ते देख रहा हूँ। माई मॉम इज माई BFF, और मुझे और मेरी माँ को ऐसे आदमी से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। मुझे मेरी माँ और मेरे बाप का डिवोर्स कराना। ये देखो बहन चोद आजकल के चौदू जनरेशन को, इसके माँ बाप ने इसको बड़ा किया ताकि बहन चोद बड़ा होकर हम लोगों का ही डिवोर्स करवा सके। बताओ इतना मादर चोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। वो लोग कहाँ मर गए बहन चोद जो अपने घर का झगड़ा बाजू वालों को पता नहीं चलने देते थे, और इनका देख लो बहन चोद यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। इट्स हर चॉइस। के मैं अपने बेटे रोहन से और पति संजय से दोनों से अलग होके रहना चाह रही हूँ। लोड़ू अभी तो बहुत हीरो बन रहा था बहन चोद, वो तेरे साथ भी नहीं रहना चाहती। सॉरी। बोल बोल क्या लो चाहे बोलो। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। क्या ही बताऊं भाव, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। समझ आ रही है बहन चोद, इसे बताओ को इसके क्राइम पेट्रोल वाला स्टोरी यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, पता नहीं बहन चोद वो कौन सा ट्रक वाला ऐप है अतरंगी सतरंगी वहाँ पे फीचर हो रहा है। पहले तो बहन की चुत मुझे ये बताओ कि बहन चोद इसकी सीक्रेट स्टोरी लीक कैसे हो रही है। बहन चोद इधर हमारा प्रिंसिपल किस मैम को डेट कर रहा है, हमें लंड भनक तक नहीं लगने दिया उसने। अरे साले, अरे एकदम जबरदस्त। भाव डिड नॉट इवन हेजिटेट। बताइए। आई एम तान्या टंडन रॉय, वाइफ ऑफ मिस्टर राजेश रॉय। सो या That's about me. इसे तुम एटीट्यूड समझने की भूल गलती से भी मत करना। बहन चोद एवरेज इंडिपेंडेंट गर्ल की ऐसी बिहेवियर होती है। I don't know what you are talking about. पर मैं अगर अपने पे आ गई ना तो तू और तेरा ये शो दोनों बंद करवा सकते। लो बहन चोद ये स्टैंडर्ड है शो का। राखी सावंत के करियर से भी छोटी लड़की बहन चोद भाव को पेल रही है। सुन, पहला तो ना तू लेडीज है समझा, इसके लिए इतना तमीज से बात। अरे भोंसड़ू के कौन लिख रहा है इसका स्क्रिप्ट? बहन चोद बिग बॉस से सीखो कुछ। इतने सालों से स्क्रिप्टेड चलता रहा लेकिन किसी को लंड बराबर खबर तक नहीं है कि वो स्क्रिप्टेड है। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये आपकी बहू बन चुकी है तो उसे स्वीकार कीजिए। अरे ये मेरा बेटा, इससे शादी नहीं करेगा। इसका बाप भी करेगा। हाँ बहन चोद बाप के पास तो और कोई काम ही नहीं होगा, बाप पेंशन के पैसे से शिलाजीत खरीद के बैठा ही होगा कि कब बहन चोद भाव हमें परमिशन दे और कब मैं पलंग तोड़ना स्टार्ट करूँ। नोटी हो रहा है। इंसान कितना भी स्मार्ट बने ना, कुछ जरूरतें ऐसी होती है कि आदमी से ना ऐसे ऐसे चुतियापंती की हरकतें करवाती है ना कि आदमी के लग जाते हैं। तो ऐसे ही महाराष्ट्र से चंद्रपुर से हमारे पास आ रही है सोनल, तो सुनते उनके साथ क्या। बस सुनते हैं और सॉल्यूशन, मतलब बहन चोद लोग भी वैसे ही कि बहन चोद हमें बस रंडी रोना सुनाने से मतलब है। सॉल्यूशन मासूदा है। हमारी शादी से पहले इनका अफेयर था, लेकिन उस लड़की ने इनको सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दिया था। ये कहानी आदम के जमाने से सुनता रहो। बहन चोद कुछ नया मसाला डालो, लड़कियां कुछ भी करे तो बहन चोद पैसों के लिए, कोई तो कहता भी है तो कमाओ मोचड़ी के। तो बहन चोद पैसे कमा ही लूंगा फिर लड़कियों की क्या जरूरत है। आप जैसे हो आप वैसे रहो, अगर वैसा रहने के बाद भी अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है वो लाइफ टाइम चलेगा, फिर दोस्ती हो या प्यार हो, किसी के लिए खुद को बदलने का नहीं। ये बकचोदी सिर्फ टीवी तक अच्छी लगती है, इससे भी बहुत 30 मार खान बनता है। मैं ऐसा हूँ लेकिन बहन चोद उसकी बंदी छोड़ गई उसको। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे भटकते भटकते आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय। अबे शुक्ला ये कटोरा लेके कहाँ जा रहा है? अबे साले गरीब, इससे अच्छा तू पहले प्यारे प्यारे दो अखिया पर नाच लिया होता तो कम से कम आज फैसो की तरह बड़े बड़े आदमी का इंटरव्यू ले रहा होता।